नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरसीबी वुमन और मुंबई वुमन के बीच में WPL का 19वां मुकाबला खेले जाने वाला है, और अगर आप भी इस वाले मैच की मेगा ग्रैंडली की टीम बनाना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर लॉजिक के साथ समझने वाले हैं कौन से प्लेयर को हम लें और कौन से प्लेयर को ड्रॉप करें, और सबसे बेस्ट CVC इस वाले मैच के अंदर कौन सा होने वाला है, और साथ ही साथ इस पिच के ऊपर कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि फ्लॉप होंगे। सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन की। विकेट कीपर वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे बेस्ट होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पर ऋचा घोष देखने को मिल जाएंगे, इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर वाई भाटिया देखने को मिल जाएंगे। अभी इन दोनों खिलाड़ी में से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन सा होने वाला है तो वो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऋचा घोष को अपनी टीम के अंदर लेना है। वो क्यों लेना है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले इतने सारे मैच हुए थे WPL के, उसके अंदर ऋचा घोष का जो परफॉर्मेंस है वो आ रहा है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जीरो पे आउट होने वाले खिलाड़ी है, ऐसा नहीं है। ये हमेशा कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करके ही आते हैं, और आपको पता है कि वुमेंस वाले मैच के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर परफॉर्मेंस कर लेता है कोई खिलाड़ी तो हमारे लिए वो खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऋचा घोष को भी हम इसीलिए अपनी टीम के अंदर लेने भी वाले हैं, तो आप भी चाहो तो अपनी टीम के अंदर ले सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको वाई भाटिया देखने को मिल जाएंगे, और वाई भाटिया का भी परफॉर्मेंस WPL के अंदर अच्छा ही जा रहा है, तो यहाँ पर हम वाई भाटिया को भी लेके चलेंगे। यानी कि ये जो दो खिलाड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, हम इन दोनों खिलाड़ी को यहाँ पर लेके चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे तो कोई खिलाड़ी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे विकेट कीपर वाले सेक्शन से मैं इन दोनों खिलाड़ियों को लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं बैटिंग वाले सेक्शन की। बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे बेस्ट होने वाला है तो यहाँ पर आपको ऊपर ही ऊपर देखने को मिल जाएंगे डिवाइंस। इनको आपकी टीम के अंदर जरूर से लेके चलना है गाइस, क्योंकि आपको पता है कि पिछले इतने सारे मैच हुए थे उसके अंदर इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी जबरदस्त देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये जो खिलाड़ी है ये फिक्स खिलाड़ी है। कहने का मतलब ये है कि ये हर बार मैच के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते ही दिखाते हैं WPL के अंदर, तो ऐसे खिलाड़ी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको लेना ही है। तो यहाँ पर मैं इसीलिए डिविन को भी लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप भी चाहो तो लेके चल सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं एच कोर यानी कि हरमप्रीत कौर की बात करते हैं, तो यहाँ पर इनका भी परफॉर्मेंस आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इनको भी आपकी टीम के अंदर लेके चलना है। लेकिन CVC आपको इनको बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी है ये आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि WPL के इतने सारे मैचेस हुए थे उसके अंदर एच कोर अभी तक CVC बनके नहीं आई है। जो भी मेगा ग्रैंड लीग जीता है एक नंबर पर आया है, उस टीम के अंदर CVC अभी तक एक भी बार एच कोर नहीं बने हैं। इसका मतलब ये है कि ये इतनी अच्छी परफॉर्म फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको अपनी टीम के अंदर लेके चलेंगे लेकिन CVC इनको नहीं बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे एस मंदाना देखने को मिल जाएंगे, तो इनको चाहो तो यहाँ पर आप ड्रॉप आउट कर सकते हो, क्योंकि पिछले बहुत सारे मैचेस खेले हैं WPL के लेकिन एक भी बार अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं की है, तो भाई हम इनको ड्रॉप आउट ही करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे केनाइट देखने को मिल जाएंगे, तो इनको अपनी टीम के अंदर जरूर से लेके चलेंगे, क्योंकि फिलहाल इनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा ही चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो तीन खिलाड़ी है यही हम अपनी ड्रीम इलेवन की टीम के अंदर रखेंगे, बाकी जितने भी खिलाड़ी है बैटिंग वाले सेक्शन से हम यहाँ पे ड्रॉप आउट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन की। ऑलराउंडर वाले सेक्शन में हमारे लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे बेस्ट होने वाला है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पेरी देखने को मिल जाएंगे, तो पेरी को आपकी टीम के अंदर लेना ही है। ऑलराउंडर है तो आपको पता है कि अच्छी खासी बॉलिंग करेंगे, अच्छे विकेटें भी निकालेंगे और अच्छी बैटिंग भी करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑलराउंडर यहाँ पे पेरी है, तो हम पेरी को भी लेके चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे मिथ्वास देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको पता है कि WPL के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो यहाँ पे मिथ्वास है, और मिथ्वास एक फिक्स प्लेयर है, हर बार अपनी परफॉर्मेंस करते ही है, और यहाँ पे इनका जो फॉर्म है ये भी काफी जबरदस्त चल रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए हम मितवास को भी अपनी टीम के अंदर लेके चलेंगे। आप भी चाहो तो आपकी टीम के अंदर ले सकते हो, और यहाँ पे ड्रॉप आउट तो बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि ड्रॉप आउट करोगे तो काफी बड़ी रिस्क हो जाएगी यहाँ पे, तो आपको ड्रॉप आउट नहीं करना है, आपकी टीम के अंदर जरूर से रखना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे एन स्वीर देखने को मिल जाएंगे, इनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा आ रहा है WPL के अंदर, तो आप चाहो तो इनको भी अपनी टीम के अंदर ले सकते हो, और ये भी प्लेयर अच्छे हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको पॉइंट जो है वो अच्छी तरीके से मिल सकते हैं इनसे, तो यहाँ पे एंसवीर को भी अपनी टीम के अंदर लेके चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक कर देखने को मिल जाएंगे, तो इनको भी अपनी टीम के अंदर लेके चलेंगे। कहने का मतलब यह है कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन से हम ज्यादा खिलाड़ी लेके चलेंगे, क्योंकि ऑलराउंडर वाले सेक्शन से अगर
ज्यादा खिलाड़ी लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमको जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। और आपको पता है कि जब वुमेन्स का मैच होता है तो वहाँ पे ऑलराउंडर वाले सेक्शन से हमको ज्यादा ही खिलाड़ी लेके चलना पड़ता है, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करते हैं तो हमको यहाँ पे फायदा काफी ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चार खिलाड़ी जो है मैंने यहाँ पे ऑलराउंडर वाले सेक्शन से ले लिए हैं। अभी यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि इस वाले पिच के ऊपर जो स्पिनर है वो काफी अच्छी खासी परफॉर्म करते हैं, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको स्पिनर ही रखना है आपकी टीम के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक स्पिनर और लेने वाला हूँ जो कि काफी दमदार है और वो है यहाँ पे एस पाटिल। इनको अपनी टीम के अंदर जरूर से ले रहा हूँ और आप भी चाहो तो आपकी टीम के अंदर लेना, क्योंकि ये भी एक अच्छे स्पिनर है तो आपको अच्छा खासा टर्न मिल सकता है यहाँ से, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको लिया है। तो आप भी चाहो तो ये पांच खिलाड़ी आपकी ड्रीम इलेवन की टीम के अंदर ले सकते हो और ये पांच खिलाड़ी काफी दमदार होने वाले हैं इस वाले मैच के अंदर। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, कि बॉलिंग वाले सेक्शन से हमारे लिए कौन सा खिलाड़ी सबसे बेस्ट होने वाला है। बॉलिंग वाले सेक्शन में हमारे लिए जो बेस्ट खिलाड़ी होगा वो यहाँ पे स्पिनर होगा, और स्पिनर के अंदर भी आपको पता है कि इशाक्यू का जो परफॉर्मेंस है वो काफी जबरदस्त आ रहा है। तो आप भी चाहो तो यहाँ पे इशाक्यू को ले सकते हो और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो WPL के अंदर काफी जबरदस्त चल रही है। तो भाई एक स्पिनर लूंगा और वो भी यहाँ पे इशाक्यू को लेने वाला हूँ। तो हमारी जो टीम है वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो मैंने विकेट कीपर वाले सेक्शन से दो खिलाड़ी को लिया है, बैटिंग वाले सेक्शन से मैंने तीन खिलाड़ी को लिया है, ऑलराउंडर वाले सेक्शन से मैंने पांच खिलाड़ी को लिया है और बॉलिंग सेक्शन से मैंने केवल एक खिलाड़ी को लिया है, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और ये जो खिलाड़ी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिया है। तो फाइनली अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपके लिए सबसे बेस्ट सी और VC कौन सा होने वाला है। तो आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे मितवास देखने को मिल जाएंगे। मितवास के सिलेक्शन परसेंटेज भले ही ज्यादा हो लेकिन मैं इन्हीं को CVC क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि आपको बताइए कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा आ रहा है, तो इनको ही CVC बनाना हमारे लिए बेटर होगा। तो कैप्टन जो मैं बनाने वाला हूँ वो मितवास को बनाने वाला हूँ, और VC यानी वॉइस कैप्टन जो बनाऊंगा वो मैं नीचे से बनाऊंगा इशाक्यू को। तो आप भी चाहो तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो मेरे जो CVC है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कहने का मतलब मैंने कैप्टन जो बनाया है वो मैंने मितवास को बनाया है और VC जो मैंने बनाया है इशाक्यू को। आप भी चाहो तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो और ये वाला कॉम्बिनेशन काफी अच्छी खासी परफॉर्म करने वाला है इस वाले मैच के अंदर। तो आप भी चाहो तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।